मैं श्याम सुंदर सिंह अपना चैनल डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, नलिन बिलोचन शर्मा का मैं जीवन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आइए, हिंदी साहित्य जगत के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकता का आधार देने वाले और बच्चों के सानिध्य के नजदीक जाकर उनकी मनःचित्रण करने वाले वैसे लेखक का परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो हम उनके बारे में अवगत करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना की बदरघाट में हुआ था। ये हमारे हिंदी साहित्य के बहुत ही जाने माने मनोवैज्ञानिकता के आधार पर बच्चों के सानिध्य में जाकर कहानी लिखने वाले हैं, जिनका जन्म पटना में एक जगह है बदरघाट, जहां पर 1916 ईस्वी में हुआ था। निधन 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा जो हैं, इनके पिता थे महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा का भी कहीं कहीं साहित्य के क्षेत्र में इनका जीवन परिचय और जीवन हिंदी साहित्य संबंधित उनकी रचनाएं मिलती हैं। और माता हैं रत्ना वती शर्मा। बच्चे, ये बोर्ड परीक्षा में जो है अभी जो हमारे बच्चे एग्जाम दिए हैं उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनकर ये जन्म और निधन दोनों आता है। रचनाओं में दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद और साहित्य तत्व और आलोचना, विष के दांत, संत परंपरा और साहित्य। विष के दांत तो ऐसी कहानी है कि क्या कहना है। विष के दांत के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे पाठ पुस्तक के अंतर्गत, जब कहानी का हम अवलोकन करेंगे बच्चे, तो ये विष के दांत बहुत ही सुंदर कहानी है हमारे नलिन बिलोचन शर्मा की। और व्यक्तित्व में इनका जीवन परिचय के अंतर्गत बहुत ही यहाँ जो है जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय में हमेशा जो है प्राध्यापक का कार्य करते रहे। इनकी रचनाओं का मुख्य आधार है मनोवैज्ञानिकता। नलिन बिलोचन शर्मा वैसी कहानी लिखते हैं कि जिस तरह हिंदी साहित्य में हमारे जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिकता का आधार देकर बच्चों के बीच जाकर के उनके मनःचित्रण का वर्णन करते हैं, उसी प्रकार हमारे नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित ऐसी कहानी है विष के दांत कि बच्चों के प्रति बच्चे मन में क्या चाहते हैं, बच्चे बहुत ही आंख लेते हैं, वैसी कहानी ये लिखे हैं।
तो हमारे बच्चे ध्यान जरूर देंगे कि जन्म से लेकर, निधन से लेकर, पिता से लेकर, माता से लेकर और रचनाएं, ये बहुत ही मुख्य है। इसी के साथ मैं जीवन परिचय प्रस्तुत करते हुए समापन कर रहा हूँ। धन्यवाद।